अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत। बड़े बड़े बंगले आपके लिए लेकर आया हूँ। ये साइड पर दिखाएं कैमरामैन, बहुत खूबसूरत लोकेशन पर ये बंगले और किए हैं। और ये इसलिए कि जब तक इंसान जिंदा रहते उसकी ख्वाहिश होती है कि एक बंगला नहीं, 100 बंगले। अल्लाह करे कि वो दौर आ जाए। और ये बेचारा, ये भी एक डॉगी है, दिखाएं। ये भी बंगलों की ख्वाहिश में इधर आके भटका है। इसको भी ये बंगले पसंद है और बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है। खूबसूरत खूबसूरत मकानात और खूबसूरत कुशादा गलियां, जिसको हम सड़क भी कहते हैं। क्या आप देखो, शानदार बंगले हैं। तो आप आए और अपने लिए यहाँ एक बंगला खरीदे। ये फूल देखे, ये देखो क्या खूबसूरत फूल है। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे आप देखें। और क्या खूबसूरत जगह है, ये देखें, ये खूबसूरत लॉन। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जगह है। जैसे इंसान जवानी में हसीन और चुस्त और चालाक जवान होता है, इसी तरह बंगलों की मिसाल आप ले लें। बहुत खूबसूरत जगह है। हमारे साथ रहिए, आपको मज़ीद उस साइड के बंगले दिखाएं। ये दौर प्रॉपर्टी का है, आप सबको बिजनेस की तरफ आना चाहिए, स्पेशल प्रॉपर्टी की साइट पर। नाजरीन, आप चूंकि अब हमारी मोटरसाइकिल पर हम रवा दवा है और आपको मुख्तलिफ किस्म के घर, बंगले, प्लाट, ग्रीनरी, हत्ता की हर चीज़ आपको दिखाई। एक सामने देखिए गवर्नमेंट कॉलेज, दिखाएं कैमरामैन। टर्न कर रहे हैं, बल्कि टर्न हो चुके हैं। ये मैंगो देख रहे हैं, ये मैंगो है वाश। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आप, एंजॉय करें। घर बैठे बिठाए जो लोग उदास है, अपने चेहरों पर खुशी लाए, हंसे मुस्कुराए। कम से कम ये खूबसूरत मौसम और ये खूबसूरत नज़ारे, इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आपके चेहरों पर मुस्कुराहट का होना ज़रूरी है। ये बहुत मैं कह दूँ कि अल्लाह इस बंगले में एक दिन के लिए सो सकें। इसमें जो लोग सोएंगे तो उनके तो मज़े, इसका मतलब है कि आखिरत में भी उनके बड़े बड़े बंगले होंगे। जो लोग अमीर होते हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ भी सभी कभी भी किसी ने किसी के साथ अपना बंगला नहीं बांटा। खैर है, आधा बंगला तुम ले लो, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। बस एंजॉय करे, हमारे साथ रहे, हमारे भी लाख को ज़रूर देंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और अगर और ज़्यादा पसंद आए तो आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करें। हाँ, ये देखिए जनाब, एक यूनिवर्सिटी है, सी कॉस यूनिवर्सिटी है। बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से नंबर वन है। स्कूल ऑफ एडवांस्ड लर्निंग, स्कूल है। हर बंदे के पास जब पैसा आता है सबसे पहले वो स्कूल खोल देता है। जब स्कूल खोलता है तो उसके पास पैसे आना शुरू होते हैं और डायरेक्ट जाकर बंगला खरीद लेता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बिजनेस शुरू करें, छोटे पैमाने पर हो, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते करते एक दिन आप माशाल्लाह इम्प्रूव कर जाएंगे। कॉम्प्लेक्स की तरफ ये रास्ते निकल रहे हैं। ओ फरूख वगैरह, सामने फरूख है
वो मेरा दोस्त है, मुझे कहते ले जाओ, लेकिन मैं क्यों, हमारे पास सामान दिया जाए। ये बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है, गाड़ी जा रही है आगे। नाजरीन ये देखे WK 499, ये मेरी गाड़ी है, इसमें मेरे कैमरामैन जो है हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं व्लॉग जो है गाड़ी मोटर में भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे बाइक का जो है पसंद है। मैं एक बिजनेसमैन किस्म का आदमी हूँ, लेकिन मुझे बाइक पर मज़ा आता है, क्योंकि गाड़ी में बैठा आदमी ऐसे लगता है जैसे अडियाला जेल में हो और मेरा दिल तंग हो जाता है। इधर दूर मकाम पर जाना हो तो फिर अलग बात है, अगर पेशावर के इर्द गिर्द में मुझे बाइक पर व्लॉग बनाना पसंद है। वो बंगले दिखाए, वाह वाह वाह, यही लोग जन्नत में जाएंगे जो बंगले में रहते हैं। अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और हमारे व्लॉग हमेशा देखते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।